यूपी डीएलएड के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं और 18 सितंबर से आपके जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं और मैसेजेस मिल रहे हैं कि डीएलएड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो हम बीए, बीएससी या बीकॉम वाला कोर्स करते हैं, कोई यूजी कोर्स जो करते हैं, उसमें कितने परसेंट मार्क्स होना चाहिए, यानी कि मिनिमम कितने परसेंट अंक आपके होना चाहिए जब आप डीएलएड करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहां पर बताने वाला हूं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, वहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है आवेदन के लिए अर्हता, आयु और निवास, शैक्षिक अर्हता आपके पास क्या होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है आपके पास माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जिसे यूपी बोर्ड बोलते हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या एसईएससी बोर्ड से आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आपका किया हुआ रहना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। आपका जो हाई स्कूल और जो इंटरमीडिएट है वो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से ही होना चाहिए। इसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, जो ग्रेजुएशन है वो ऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड हो, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। किससे अप्रूव्ड हो? यूजीसी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी महाविद्यालय से ही स्नातक परीक्षा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ। आपने 12वीं के बाद जो कुछ भी कोर्स किया है, बीए, ठीक है, बीएससी या बीकॉम या फिर बीबीए हो गया आपका, बीबीए, ठीक है, या फिर बीसीए हो गया, या फिर बीए एलएलबी हो गया, या फिर हो गया आपका आपका बीटेक हो गया, ठीक है, बीटेक हो गया, ये जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं इन सभी में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 50% अंक होना कंपलसरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपके स्नातक परीक्षा, जो कि आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट किया है 12वीं क्लास के बाद, उस कोर्स में कम से कम आपके 50% मार्क्स होना कंपलसरी है जनरल कैटेगरी के लिए। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है रिजर्व कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी में कौन कौन से अभ्यर्थी आ जाएंगे, जो एससी कैटेगरी के हैं, इसके अलावा जो एसटी कैटेगरी के हैं, इसके अलावा जो आपके ओबीसी कैटेगरी के हैं, इसके अलावा जो आपके पीएच कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो इन सभी लोगों को, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, जो खुद भूतपूर्व सैनिक हों, ठीक है, यानी कि पहले आर्मी में रहे हों, ठीक है, तो इन सभी लोगों को 5% की छूट रहेगी न्यूनतम अंकों में, यानी कि अगर आपके 45% मार्क्स होंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में तब भी आप एडमिशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। नीचे यहाँ पर बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा और कोबसे द्वारा अमान्य तथा यूजीसी द्वारा फर्जी और अमान्य घोषित की गई संस्थाओं या यूनिवर्सिटी से किसी भी स्तर में अगर आपने हाई स्कूल इंटर स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है, आपने किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की है जो यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, यानी कि फर्जी है, यूपी बोर्ड के द्वारा उन्हें फर्जी बताया गया है स्कूल कॉलेजेस को, तो उस कंडीशन में आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे, यूपी से बाहर के अभ्यर्थी, उनके लिए यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर। डीएलएड प्रवेश के अंतर्गत अभिलेखीय जाँच चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण के बाद, ठीक है, आपको अलग अलग चरण होते हैं, ठीक है, अलग अलग फेज होते हैं, अलग अलग फेज होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट फेज में केवल यूपी के मूल निवासी अभ्यर्थियों की ही काउंसलिंग होगी फर्स्ट फेज में, ठीक है। फर्स्ट फेज में क्या होगा, यूपी के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं केवल उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद सेकेंड फेज में क्या होगा, अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे उनको द्वितीय चरण में खाली सीटों पर प्रवेश हेतु संस्था का विकल्प भरे जाने का आपको अवसर मिल जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तक राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी यहाँ पर ध्यान रखें, आपके पास आपका निवास प्रमाण पत्र यानी कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो होना आपके पास कंपलसरी है। आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से भी निवास प्रमाण पत्र बनवाया जाता है उसे आप बनवा कर जरूर रख लीजिए। एडमिशन के समय वो निवास प्रमाण पत्र आपको देना कंपलसरी होगा। किस समय? जब आपका एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय वो जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपको दिखाना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। बाकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है, फीस वगैरह है, लास्ट डेट है, ये सारी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने वो सारी चीज़ें नहीं देखी हैं
तो आप YouTube चैनल पर जाकर देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप पर ऐड होना चाहते हैं तो WhatsApp ग्रुप की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।